बात याद रखना, प्याज की तरह इस केस की एक एक खाल निकाल के रख दूंगी मैं। आप जानते नहीं हो कि हम लोग कौन है, और मैं सरबजीत सिंह गिल का साला हूँ। साला बहुत बढ़िया बात है, गिल साहब को तो पता चलनी चाहिए। गुड न्यूज। और की करने जा रहे हो? मैं आगे के करने जा रही हूँ इस बारे में आपको जल्दी पता चल जाएगा। हे रब जी, आज बचा ले, आज नाज रख ले कुलवंत कौर की। गिल साहब, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मिस चौटाला। आई एम रियली सॉरी, कल आपने फोन किया था पर मैं आपसे ढंग से बात नहीं कर पाया। वैशली पीछे काफी शोर था, पर उसके बाद मैंने आपको दो तीन बार कॉल ट्राई किया है। आई थिंक इट वॉज नॉट रीचेबल। कोई बात नहीं गिल साहब, आपसे बस यही पूछना था कि क्या आप वाकई में मेहर जी से शादी कर रहे हैं? जी हाँ। आप मेहर जी को जानती हैं? जी हाँ, दरअसल मेहर जी और किन्ने सोने लग रहे हो तुसी, किन्ने सोने लग रहे हो। हाय मैं मर जावा। वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी, किसी दिन नजर ना लगे। बड़ी खुशी हुई जी कि आप मेरी कुड़ी के अनंत कारज में आए। वंडरफुल जी वंडरफुल। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मेरी मेहर दव्या सरबजीत गिल से हो रही है जी। ये जुआई कम पुत्र ज्यादा है। कितनी नसीबों वाली हूँ मैं कि मुझे ऐसा पुत्र मिला। मम्मी जी, नसीब वाला तो मैं हूँ जो मेरा रिश्ता आप जैसे लोगों से जुड़ा है। चौटाला, मम्मी जी मेरी सास नहीं, मेरे लिए खास है, बहुत खास। इनसे ज्यादा नेक, इनसे सच्चा और इनके जैसा मेहनती इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपने पिंड वालों और पिंड के लिए, उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए इन्होंने जो किया है ना, कोई नहीं कर सकता। सच मायने में तो मैं इनका सबसे बड़ा फैन हूँ। चलिए, लेट हो रहा है। हाँ जी, सत श्री अकाल। आओ जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ए, मानव का कुछ अता पता ना है, और सरपंच जी के खिलाफ भी हमें कोई ठोस सबूत मिल ही नहीं रहा। ऊपर से सरबजीत साहब हमें अपना ये केस देकर खुद महल से शादी कर रहे हैं। मैंने कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैडम जी, हो सकता है सरपंच सच बोल रही हो। हाँ, हो सकता है, हो सकता है मान साहब, बहुत कुछ हो सकता है। कि वो छोरा मानव सचमुच में 50 लाख रुपए लेके गायब हो गया है, और ये भी हो सकता है कि उसे गायब कर दिया गया है। कुछ भी हो सकता है। सरपंच जी, सरपंच जी सुनिए जरा। चलो जी, तुसी मैं हुने आनी हां। जी हां। हुकम मैडम जी। सरपंच जी, हाथ मारे सामने नहीं, भगवान के सामने जोड़िए आप। भगवान का शुक्र मनाइए कि मैंने आपके खिलाफ एक भी सबूत ना मिला। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस केस की फाइल अभी बंद नहीं हुई है, और जब तक ये केस बंद नहीं हो जाता, तारा सिंह चौटाला छानबीन करती रहेगी। चलिए, बेटी की शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जल्दी मुलाकात होगी आपसे लेके। सत श्री अकाल जी।
अनंत कर्ज हो गया, अब चलते हैं कुड़ी के घर विदाई की रस्म के लिए। जी ओ शगुन दी खिचड़ी तैयार हो रही है जी, आओ जी आओ। लगता है बहन से पीछा छूट रहा है ना, इसीलिए इतने खुश हैं। But look at this. Ew. बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। दाल ते चावल एकदम पक्के जी। वैसे कुलवंत कौरे, तूने भी अपनी दाल गलाई ली। इतने ज्यापे आए व्याह में, लेकिन सब संभाल लिया तूने। अब वो दिन दूर नहीं जब तू सरपंच से एमपी बन जाएगी। भी मैं भी देखनी आ कौन सी डीएसपी, कौन सा केस और कौन सी मम्मी जी, वो मासी जी को घर देखना था। ले पुत्र, ये भी पूछने वाली बात है? मासी जी का घर है, जा दिखा। जी, मैं तब तक जी शगुना की खिचड़ी तैयार कर रही हूँ। लगता है कुछ खास ही खिचड़ी पका रही थी आप। अब वो खिचड़ी शगुना दी है या कुछ और? वो तो जी आखिर मैंने पता लगा ही लेना। ओ ले, ऐसे ही थोड़ी ना होता है। ओ जी, मैं तो आपकी कमर कस रही थी। सर पंच जी, वो क्या है ना, अभी तो मेरे को बहुत सारे पंगे लेने हैं आपसे और आपकी कुड़ी के साथ। हो मासी सास हुई तो क्या हुआ? सास तो हूँ ना, सांस नहीं लेने देनी है आपको और मेहर को इस सांस ने। निमाए तेरी शामत आई, तेरी बेबे हुई पराई। निमाए तेरी शामत आई, तेरी बेबे हुई पराई। निमाए तेरी शामत आई। मम्मी जी, मैं आती हूँ। आज मेरी कमर कसी है, रुट जानिए कहीं कल तो गला ही ना कस दे। इस ओएमआर वाली का तो कुछ ढूंढ निकालना ही पड़ेगा।